इटली से करीब एक घंटे की दूरी पे एक शहर है जिसका नाम है रेवाड़ी। रेवाड़ी से उतर के आप बस करते हैं और एक जगह पहुंचते हैं जहां का नाम है नारनौल। दिल्ली से रेवाड़ी का रास्ता एक घंटे का है और रेवाड़ी से नारनौल का रास्ता करीब डेढ़ घंटे का रास्ता है। नारनौल में आपको लगेगा है जैसे एक पुराना गांव शहर के रूप में आके बस गया हो। लेकिन यहाँ पर नारनौल का जिक्र मैं क्यों कर रहा हूँ, यहाँ पर नारनौल का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूँ कि इसमें हमारे पूजनीय हनुमान जी की एशिया की सबसे बड़ी प्रतिमा स्थापित होने जा रही है। मंदिर बन गया है, प्रतिमा का स्थापना भी हो गई है, उस पर काम चल रहा है, लेकिन अभी विधिवत पूजन करके जैसे स्थापित किया जाता है ईश्वर को, वैसे अभी स्थापित नहीं किया गया है। फिर भी इतनी बड़ी प्रतिमा को देखने की मन में उत्कंठा जागृत हुई तो मैंने सोचा वहां जाके देखता हूँ। तो मैंने वहां जाके देखा, देखने के बाद मुझे लगा कि मुझे अकेले ही नहीं, मुझे और लोगों को भी बताना चाहिए कि ये कितना अच्छा मंदिर है। इसके आसपास देखिए मोर मिलेंगे, मोर आपको राजस्थान हरियाणा के काफी सारे इलाकों में मिलेंगे, तो प्राकृतिक दृश्य भी बहुत सुरम्य है। यहाँ पर जाने का फायदा आपको थोड़े ठंडे मौसम में, अगर आप गर्मी में जाते हैं तो इतनी गर्मी होती है कि आप उस स्थान का आनंद नहीं ले पाते, और बजाय स्थान का आनंद लेने के आप गर्मी से बचने का प्रयत्न करते रहते हैं। हम गर्मियों की शाम को वहां गए थे तो ये मंदिर हमने देखा। मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़ते हुए ये वीडियो मैंने शूट किया है। बीच में मोर दिखे तो मैंने उन मोरों को भी पकड़ा और अपने हनुमान जी को भी मैं देख रहा हूँ। देखिए आप, प्रतिमा स्थापित हो चुकी है, बहुत ही बड़ी प्रतिमा है। जरा अंदाज लगाए, नीचे देखिए ये एक बच्ची खड़ी हुई है यहाँ पर, तो उससे आप नीचे के स्टेज का जिसपे मूर्ति लगी है उसका अंदाज लगा सकते हैं। अभी यहाँ पे कार्य चल रहा है, लोहे की ग्रिलिंग इधर पड़ी हुई है। सामने दोबारा अगर हम पलट के देखें तो काफी सारे प्रतीक चिन्ह लोगों ने श्री राम के कपड़े वगैरह यहाँ लगा रखे हैं। इसके अलावा हनुमान चालीसा, चौपाई लिखी हुई है, आरतियां गाई जाती है। अब आप देखिए एक्चुअली ये मूर्ति कितनी ऊंची है, आप अंदाज लगा सकते हैं कि मूर्ति जबरदस्त ऊंची है। और बनने के बाद नारनौल को एक पर्यटक स्थल के रूप में जरूर जरूर विकसित कर देगी, ऐसा मेरा विचार है। ऊपर से नीचे बहुत दूर तक का नजारा दिखाई पड़ता है। ये खुले हुए तार थे, मैंने सोचा मंदिर के मैनेजमेंट को भी बताना जरूरी है कि ये खुला हुआ तार एक लोहे को उस पर लिपटा हुआ है तो उससे कोई एक्सीडेंट ना हो जाए। खैर अब वापस हम अपने मंदिर की बात करते हैं। खारड़ा के हनुमान जी का मंदिर है जिसमें हनुमान जी की सबसे बड़ी प्रतिमा एशिया की स्थापित की जा रही है। और ये देखिए यहाँ पर ये निस्वार्थ सेवी, यहाँ के पुजारी भी हैं और हाथ में झाड़ू लेके डर जाते हैं तो ये नहीं सोचते कि ईश्वर की सेवा करने जा रहा हूँ तो मेरा मान मर्दन हो जाएगा। बिल्कुल दिल लगा के इन्हें हमने हर तरफ सफाई करते हुए देखा। तो अभी आप आवाज सुन नहीं पाएंगे मगर इन्होंने हमसे रुक के कहा भी था कि अरे वीडियो हमारी गाय को ले रहे हो, वीडियो लेनी है तो हनुमान जी की वीडियो ले भैया, हमारी वीडियो गाय को। और सिर्फ यही नहीं, यहाँ और भी लोग मैंने देखे, उस समय तो कम लोग आए हुए थे, थोड़ी गर्मी ज्यादा थी, पर जो आए उन्होंने हाथ में झाड़ू पकड़ी और हो गए सफाई करने शुरू। तो इस सेवा भाव को जगाने वाले ये हनुमान जी ही हैं, जिनका श्रेय मैं पूरा हनुमान जी को दूंगा। हमने भी वहां पे, मैं अपने परिवार के साथ गया, हमने भी वहां पे झाड़ू लगाई। और ये देखिए ये एक कपल आया हुआ है, इन्होंने भी झाड़ू हाथ में थाम ली और बिल्कुल निस्वार्थ भाव से लगाने। तो बोलो हनुमान जी की जय।